बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेक्चर नंबर 3, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 9, साइंस ग्रुप। टुडे वी विल लर्न अबाउट ऑर्डर्ड पेयर्स। एन ऑर्डर्ड पेयर इज़ अ पेयर ऑफ नंबर्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। दो नंबर्स का ऐसा पेयर जो किसी ख़ास ऑर्डर में लिखा हुआ हो, ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, राउंड ब्रैकेट 1, 2 एंड राउंड ब्रैकेट -4, 12 आर ऑर्डर्ड पेयर्स। एग्जाम्पल से एक बात बहुत क्लियर है कि जिस तरह से किसी भी सेट को लिखने के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट्स की ज़रूरत होती है, वी नीड राउंड ब्रैकेट इन ऑर्डर टू राइट ऑर्डर्ड पेयर। यानी हमें ऑर्डर्ड पेयर को लिखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? राउंड ब्रैकेट की। अगर हम बाय मिस्टेक ऑर्डर्ड पेयर को कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा। इसका मतलब कि ये ज़रूरी है कि ऑर्डर्ड पेयर को राउंड ब्रैकेट में लिखा जाए। नेक्स्ट, यहाँ पर ऑर्डर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपना फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर कंसिडर करें, विच इज़ 1, 2, यहाँ फर्स्ट प्लेस का डिजिट 1 है और सेकंड प्लेस का डिजिट 2 है। दिस इज़ कॉल्ड ऑर्डर। अगर मैं फर्स्ट प्लेस पर 2 लिख दूँ और सेकंड प्लेस पर 1 लिख दूँ, तो दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम 1, 2। तो दो बातें हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ऑर्डर्ड पेयर हमेशा राउंड ब्रैकेट में लिखा जाएगा, और सेकेंडली, ऑर्डर्ड पेयर में, जैसा कि इसके नाम से बहुत वाज़े है कि ऑर्डर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो फर्स्ट प्लेस का मेंबर है वो सेकेंड प्लेस पर नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि हम सेट के अंदर डिजिट्स को आगे पीछे लिख दें तो इससे सेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम ऑर्डर्ड पेयर के डिजिट को आगे पीछे कर दें तो उससे ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा? बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कि 1, 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, 1 के। कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। द कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी denoted by A cross B is the set of all possible ordered pairs where the elements of A are first and the elements of B are second. In set builder notation, A cross B is equals to curly bracket, then we have a round bracket A comma B, राउंड ब्रैकेट क्लोज्ड। दैट मीन्स वी हैव अ ऑर्डर्ड पेयर इन विच ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। इस डेफिनेशन को अब हम अच्छे से समझते हैं। एक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? दो सेट्स की मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन का कुछ ना कुछ आंसर होना चाहिए। जब हम सेट्स की मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसके आंसर में हम क्या लिखते हैं? ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। यानी जब हम दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके आंसर में हम वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते हैं जो पॉसिबली बन सकते हैं। और किस तरह से? हम फर्स्ट मेंबर हमेशा फर्स्ट सेट ए से लेंगे और सेकंड मेंबर हमेशा सेकंड सेट से लेंगे। अगर आप सेट बिल्डर नोटेशन को दोबारा देखिए तो यहाँ पर ए क्रॉस बी इज़ इक्वल्स टू अ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी इज़ गिवन, जिसमें ये क्लियरली मेंशन है कि जो फर्स्ट ए है दैट बिलोंग्स टू सेट ए and B belongs to set B। यानी first member
फर्स्ट सेट से लिया जाएगा और सेकंड मेंबर सेकंड सेट से लिया जाएगा। इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करने के लिए हम एक एग्जांपल को कंसिडर करते हैं। इस एग्जांपल में वी हैव टू सेट्स ए एंड बी एंड मेंबर्स ऑफ फर्स्ट सेट आर एक्स वाई जेड एंड मेंबर्स ऑफ सेट बी आर 1, 2, 3। हेयर वी नीड टू फाइंड ए क्रॉस बी मीन्स कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट्स। कार्टीजियन प्रोडक्ट कंटेन्स ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। तो अब हम ऑर्डर्ड पेयर किस तरह से बनाएंगे? फर्स्ट कंसिडर द फर्स्ट मेंबर एक्स ऑफ सेट ए और इसके ऑर्डर्ड पेयर हम बनाएंगे सबसे पहले फर्स्ट मेंबर ऑफ सेट बी विच इज 1 और लिखेंगे किस तरह से? इनसाइड राउंड ब्रैकेट एक्स कॉमा 1 राउंड ब्रैकेट क्लोज्ड। देन इस एक्स का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे विद 2 विच इज द सेकंड मेंबर ऑफ सेट बी और लिखेंगे किस तरह से? इनसाइड राउंड ब्रैकेट एक्स कॉमा 2। एंड सिमिलरली फॉर द थर्ड मेंबर ऑफ सेट बी 3 वी हैव ऑर्डर्ड पेयर इनसाइड राउंड ब्रैकेट एक्स कॉमा 3। देखिए हमने फर्स्ट मेंबर एक्स ऑफ सेट ए के 3 ऑर्डर्ड पेयर बनाए किसके साथ? सेट बी के 3 मेंबर्स के साथ विच आर 1, 2 एंड 3। अब और तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि सेट बी में और मेंबर्स नहीं है। नाउ द नेक्स्ट मेंबर ऑफ सेट ए विच इज वाई। अब हम इस वाई के ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे सबसे पहले 1 के साथ, तो लिखेंगे किस तरह से? इनसाइड राउंड ब्रैकेट वाई कॉमा 1। देन विद 2 और लिखेंगे राउंड ब्रैकेट वाई कॉमा 3। और देन विद 3 और लिखेंगे इनसाइड राउंड ब्रैकेट वाई कॉमा 3। जिस तरह हमने एक्स के 3 ऑर्डर्ड पेयर बनाए विद 1, 2, 3, सिमिलरली हमने वाई के 3 ऑर्डर्ड पेयर बनाए किस तरह? वाई के साथ 1 को लिखा, फिर 2 को लिखा और फिर 3 को लिखा। अब मुझे बताइए, मैं वाई के और ऑर्डर्ड पेयर अब नहीं बना सकती, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? नाउ मूव टूवर्ड्स जेड द थर्ड मेंबर ऑफ सेट ए। अब इस जेड के भी मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगी सबसे पहले 1 के साथ और लिखूंगी जेड कॉमा 1, फिर 2 के साथ एंड आई विल राइट जेड कॉमा 2 एंड देन विद 3 और लिखूंगी जेड कॉमा 3। अब मुझे ये बताइए कि जेड के और ऑर्डर्ड पेयर तो नहीं बन सकते, इसका मतलब कि ऑल दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स जो हम बना सकते थे एंड दिस इज द आंसर ऑफ ए क्रॉस बी। और आप हर ऑर्डर्ड पेयर को देखिए कि हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट मेंबर सेट ए से बिलोंग करता है और हर ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड मेंबर किससे बिलोंग करता है? सेट बी से बिलोंग करता है। मेरे ख्याल से सबको ये एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे जब हम बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो जिन स्टूडेंट्स को स्टिल थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। नाउ मूव टूवर्ड्स द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 1.3। एंड क्वेश्चन इज इफ ए इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी एंड बी इज इक्वल्स टू वाई कॉमा जेड, देन फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में हमें ए क्रॉस बी, यानी हमें कार्टीजियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है ए और बी की, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस बी। Now, in order to find out A cross B, first mention the sets. सबसे पहले set A को mention करते हैं, which is equals to A, B, C, D, and then B is equals to Y and Z. अब इन दो sets की हमें क्या required है? Cartesian product required है। तो सबसे पहले
हमें किस बात पे ध्यान देना है कि फर्स्ट मेंबर किससे बिलोंग करना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट सेट से, और सेकंड मेंबर किससे बिलोंग करना चाहिए सेकंड सेट से। तो फर्स्ट सेट का फर्स्ट मेंबर देखिए ए, सबसे पहले इस ए का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा किसके साथ, वाई के साथ, और देन इसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा किसके साथ, जेड के साथ। सही, यानी ए के हमारे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, दो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, एक वाई के साथ एक जेड के साथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर फर्स्ट सेट का सेकंड मेंबर कंसिडर करेंगे जो के है बी, देन इस बी के ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे किसके साथ, सेट बी के मेंबर्स के साथ विच आर वाई एंड जेड। तो सबसे पहले बी का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ बनेगा, वाई के साथ और देन जेड के साथ। पहले दो ऑर्डर्ड पेयर हमने बनाए, कौन कौन से, ए विद वाई एंड ए विद जेड, फिर हमने बनाया बी विद वाई एंड बी विद जेड। उसके बाद आप मुझे बताइए फिर और किसके साथ बनेगा। नाउ द थर्ड मेंबर सी, और इस सी के भी दो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे किस किस के साथ, पहला बनेगा वाई के साथ एंड देन बनेगा जेड के साथ। और उसके बाद लास्ट मेंबर रह जाता है सेट ए का डी, और इसके भी कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, दो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, सबसे पहला बनेगा वाई के साथ और फिर बनेगा किसके साथ, जेड के साथ। तो चलें अब इसका आंसर लिखते हैं किस तरह से, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, देन इनसाइड राउंड ब्रैकेट फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर विच इज ए कॉमा वाई एंड देन सेकंड ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा जेड, देन थर्ड ऑर्डर्ड पेयर b comma y and b comma z, then next ordered pair c comma y and c comma z, and then next d comma y and d comma z, then curly bracket closed। सबसे पहले ये curly bracket हमने क्यों लगाया, कर्ली ब्रैकेट हमने इसलिए लगाया कि हमने तमाम ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनाया। सेकेंडली, सिंस इनसाइड सेट एवरी मेंबर इज सेपरेटेड बाय कॉमा, तो हमने हर ऑर्डर्ड पेयर के इन बिटवीन क्या लगाया, कॉमा लगाया, जिससे हमने हर ऑर्डर्ड पेयर को एक दूसरे से क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो हमें क्या याद रखना है कि जब हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स को इनसाइड कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर एक सेट होता है और वो सेट क्या कंटेन करता है, तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स को। तो हमने कर्ली ब्रैकेट किस लिए बनाया, कि हम एक सेट बना रहे हैं और उस सेट के मेंबर्स क्या हैं, ऑर्डर्ड पेयर, जो कि हमेशा राउंड ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, और उनको सेपरेट करने के लिए हम उनके इन बिटवीन क्या यूज़ करेंगे, कॉमा को यूज़ करेंगे। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ ए क्रॉस बी। एक्सरसाइज नंबर 1.3, क्वेश्चन नंबर 1, फोर्थ पार्ट इज बी क्रॉस बी, मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी इज रिक्वायर्ड विद इटसेल्फ। Write down B cross B is equals to list the members of set B which are Y, Z and cross. Then again write down Y, Z. हमने दो दफ़ा set B क्यों लिखा, क्योंकि we need to find B cross B. Then किस तरह से find करेंगे, first consider Y and its ordered pair with Y and then with Z. उसके बाद कंसिडर करेंगे z को एंड ऑर्डर्ड पेयर विद y एंड विद z। सही, तो अब आंसर लिखते हैं, b क्रॉस b इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट देन फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर y कॉमा y एंड देन सेकंड ऑर्डर्ड पेयर y कॉमा z देन z कॉमा y एंड देन z कॉमा z, कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड
और हर ऑर्डर्ड पेयर के इन बिटवीन कॉमा ज़रूर लगाएंगे. दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ बी क्रॉस बी. एक्सरसाइज नंबर 1.3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज़ सपोज दैट द ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स प्लस वाई कॉमा 2 एंड 4 कॉमा एक्स माइनस वाई आर इक्वल. फाइंड एक्स एंड वाई. इस क्वेश्चन में हमें दो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बताया है कि वो दोनों इक्वल हैं, और अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की एंड देन वाई की. अब जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सिंस द ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स प्लस वाई कॉमा 2 एंड 4 कॉमा एक्स माइनस वाई आर इक्वल, देयरफॉर द फर्स्ट मेंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर विच इज़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू द फर्स्ट मेंबर ऑफ सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर विच इज़ 4. हमें पता है कि ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, यानी सिंपली हमें दो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं और कहा है कि ये दोनों इक्वल हैं. तो क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं और ये बात हमें क्वेश्चन में बताई है, इसलिए हम फर्स्ट मेंबर को सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट मेंबर के इक्वेट करवाएंगे. यानी हमने कहा कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है. x प्लस वाई फर्स्ट प्लेस पे है फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर की, और 4 फर्स्ट प्लेस पे है सेकंड ऑर्डर्ड पेयर की. तो क्योंकि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो हमने फर्स्ट प्लेस को फर्स्ट प्लेस के इक्वेट करवाया, और हमने कहा कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है. एंड द सेकंड मेंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर विच इज़ 2 इज इक्वल्स टू द सेकंड मेंबर ऑफ सेकंड ऑर्डर्ड पेयर विच इज़ एक्स माइनस वाई. और सिंपली सेकंड मेंबर किसके इक्वल है, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड मेंबर के. दोबारा से सुनिए, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं इसलिए हमने दोनों के मेंबर्स को भी क्या करवा दिया, इक्वेट करवा दिया. किस तरह से कि फर्स्ट मेंबर के इक्वल है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, एंड सेकंड मेंबर विच इज़ 2 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई. अब आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट एनी मैथमेटिकल सेंटेंस कंटेनिंग इज इक्वल टू साइन इज कॉल्ड इक्वेशन. हमने जो हमें कंडीशन गिवन थी कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, उससे क्या बनाएं, दो इक्वेशंस बना ली. अच्छा, यहाँ आप देखिए कि 2 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, और कैन आई राइट इट लाइक एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2. मैंने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर लिख दिया और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पर लिख दिया, तो इससे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट मींस कि हमने अब क्या बना ली, दो इक्वेशंस बना ली. इन फर्स्ट इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 इज द सेकंड इक्वेशन. ऐसा हमने क्यों किया कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट पर और राइट हैंड साइड को लेफ्ट पर लिख दिया, इसलिए कि वेरिएबल्स जो हैं वो वन साइड पर आ जाएं और कांस्टेंट लाइक 4 एंड 2 कहाँ आ जाएं, राइट हैंड साइड पर. अब क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की, तो ऐसा करते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं. आई एम राइटिंग बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और दोनों इक्वेशंस को मेंशन करेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 फर्स्ट इक्वेशन एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 इज सेकेंड इक्वेशन. एंड बिकॉज वी आर एडिंग दीज टू इक्वेशंस, राइट डाउन द साइन ऑफ एडिशन एंड ड्रॉ अ लाइन. नाउ x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x,
पे अटेंशन, इट इज पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई, दीज टू कैन बी कैंसल्ड एंड देन इज इक्वल्स टू 4 + 2 = 6, और दिस एक्स कैन बी रिटन एज 6/2. और हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 2x से मल्टीप्लाई हो रहा था, और जब ये इज इक्वल टू के राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा, 6 का डिवाइजर. एंड फाइनली x इज इक्वल्स टू 3. दिस इज द आंसर ऑफ x. अब हमें क्या करना है, y का आंसर फाइंड करना है. और फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. यानी फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x + y = 4, और इन प्लेस ऑफ राइटिंग x, यहाँ हम x की वैल्यू लिखेंगे विच इज 3. नाउ 3 + y = 4, क्योंकि 3y में प्लस हो रहा है, और जब ये इक्वेशन के राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में. नाउ y = 4 - 3, एंड फाइनली y = 1. हेंस x = 3 एंड y = 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एक्सरसाइज नंबर 1.3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज लेट a = ab, सेट b = 2, 3 एंड सेट c = 3, 4. देन फाइंड फर्स्ट पार्ट a × b (c). हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है सेट ए की विद b × c. तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, b × c. और किस तरह से हम फाइंड करेंगे, b × c = सेट बी विच इज 2, 3 यूनियन विद सेट सी विच इज 3, 4. Now union means unite or write down all the members without repetition. So I am writing b × c = 2, 3, 4. This is the answer of b × c. अब हमें क्या find करना है, हमें find करना है a × b (c). यानी a की कार्टेशियन प्रोडक्ट विद b × c. सो राइट डाउन a × b (c) = मेंबर्स ऑफ सेट a विच आर ab. देन कार्टेशियन प्रोडक्ट मींस साइन ऑफ क्रॉस विद द मेंबर्स ऑफ b × c विच आर 2, 3 and 4. अब इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किस तरह से फाइंड करेंगे, फर्स्ट सेट है हमारे पास ए, और सेकंड सेट के मेंबर्स कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, b × c से. तो सबसे पहले जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे a × b (c) = फर्स्ट ए विच इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ सेट ए विद 2, देन ए विद 3 एंड ए विद 4. Then second member of first set which is B, B with 2, B with 3 and B with 4. और ये सब हमने क्या बनाए हैं, ordered pair बनाए हैं, और ordered pair हमेशा inside round bracket लिखे जाते हैं. और क्योंकि ये पूरे ordered pairs मिलकर एक set बनाते हैं, इसलिए इनके sides में हम क्या लगाते हैं, curly ब्रैकेट लगाते हैं, और हर ऑर्डर्ड पेयर के इन बिटवीन भी हम क्या लगाते हैं, एक कॉमा लगाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमने हर मेंबर को एक दूसरे से क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है. नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ a × b (c). एक्सरसाइज नंबर 1.3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 is let set a = e, b, set b = 2, 3
and set C is equals to 3, 4. Then find in fourth part A cross B intersection with A cross C. इस पार्ट में हमें दो दफ़ा फाइंड करनी है कार्टेशियन प्रोडक्ट, फर्स्ट A cross B एंड देन A cross C. उसके बाद उन दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट के आंसर्स का हमें क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट फाइंड A cross B एंड राइट डाउन A cross B इज इक्वल्स टू सेट A विच इज A B cross विद सेट B विच इज 2, 3. एंड आंसर ऑफ A cross B इज इक्वल्स टू फर्स्ट curly bracket and then first ordered pair A with 2, second ordered pair A with 3, third ordered pair B with 2 and the last ordered pair B with 3 and curly bracket closed. This is the answer of A cross B. अब क्या फाइंड करेंगे, फॉर A cross C write down A cross C is equals to set A which is A comma B cross with set C which is 3 and 4. And answer of A cross B is equals to curly bracket first ordered pair A with 3 and second ordered pair A with 4, then third ordered pair B with 3 and then B with 4 and curly bracket closed. ये किसका आंसर हमने फाइंड किया, A cross C का. हमने पहले फाइंड किया था A cross B का और अब हमने फाइंड किया A cross C का. और अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है A cross B इंटरसेक्शन विद A cross C, यानी जो दो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हमने फाइंड की हैं उन दोनों का हमें क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है. तो हम लिखेंगे सबसे पहले A cross B इंटरसेक्शन A cross C इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हमने कौन सा सेट मेंशन किया, A cross B का जिसमें 4 ऑर्डर्ड पेयर्स थे हमारे पास, एंड देन द साइन ऑफ इंटरसेक्शन. और उसके बाद हमने कौन सा सेट मेंशन किया, A cross C का, और A cross C में भी हमारे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं. अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन ऑर्डर्ड पेयर. और ऑर्डर्ड पेयर कॉमन होने का मतलब कि फर्स्ट प्लेस का मेंबर और सेकंड प्लेस का मेंबर दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. मींस ऐसा नहीं हो सकता कि जो A कॉमा 2 है आप कह दें कि इट इज़ इक्वल्स टू 2, A. जो फर्स्ट मेंबर है सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के भी फर्स्ट प्लेस पर अगर वही मेंबर है और दोनों ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड प्लेस पर भी अगर सेम मेंबर है तो तब वो दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, कॉमन होते हैं. यानी आप देखिए A कॉमा 3 फर्स्ट सेट में, देखिए A कॉमा 3 ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, और सेकंड सेट में भी देखिए A कॉमा 3 एक ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है. दोनों की फर्स्ट प्लेस A है और सेकंड प्लेस 3 है, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, कॉमन है. इसके अलावा आप देखिए फर्स्ट सेट में B कॉमा 3 और सेकंड सेट में भी देखिए B कॉमा 3 एक ऑर्डर्ड पेयर है, यानी दोनों ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट प्लेस पर B लिखा है और सेकंड प्लेस पर 3 लिखा है. इसके अलावा कोई कॉमन है, नो. इसके अलावा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर कॉमन नहीं है. तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, A cross B intersection A cross C is equals to curly bracket and first ordered pair A comma 3 then comma and second ordered pair B comma 3 and curly bracket closed. This is the required answer. Exercise number 1.3 and question number 5 is let A is equals to 1, 2, 3, 4, B is equals to 2, 4, 5, 6 and C is equals to 2, 3, 6, 8. Then find करना है, यहाँ 5th part मैंने लिया है in which A symmetric difference B cross B intersection C is required. अब देखिए
इस पार्ट में हमें फाइंड क्या क्या करना है। सबसे पहले फाइंड करना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, फिर फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी, और उसके बाद इन दोनों आंसर्स का फाइंड करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, मींस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। राइट डाउन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू, फर्स्ट लिस्ट द मेंबर्स ऑफ सेट ए विच आर 1, 2, 3, 4, देन द साइन ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस एंड सेट बी 2, 4, 5, 6। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब नॉन कॉमन मेंबर्स ऑफ टू सेट्स। तो पहले कॉमन मेंबर्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं, 2 एंड 4, यानी हम आंसर में 2 और 4 नहीं लिखेंगे, इसके अलावा हम लिखेंगे 1, 3, 5, 6। ये किसका आंसर है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का। अब क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी। तो उसके लिए हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू लिस्ट द मेंबर्स ऑफ सेट बी विच आर 2, 4, 5, 6, साइन ऑफ इंटरसेक्शन एंड देन मेंबर्स ऑफ सेट सी विच आर 2, 3, 6, 8। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन मेंबर्स, तो इन दोनों सेट्स में कॉमन कौन कौन से मेंबर्स हैं, 2 एंड 6। तो इंटरसेक्शन में हम क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 2, 6। हमने सबसे पहले फाइंड किया ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, उसके बाद फाइंड किया बी इंटरसेक्शन सी, और अब हमें फाइंड करना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कार्टीजन प्रोडक्ट विद बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले लिखेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू, फर्स्ट लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी विच आर 1, 3, 5, 6, और उसके बाद क्रॉस विद द मेंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी विच आर 2, 6। और इसके आंसर में हमें क्या फाइंड करनी है, कार्टीजन प्रोडक्ट, यानी सबसे पहले हम फर्स्ट मेंबर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का लेंगे विच इज 1, और इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे विद 2 एंड 6। सो राइट डाउन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट एंड फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर 1, 2 एंड 1, 6। Then next ordered pair 3, 2 and 3, 6. Then next ordered pair 5, 2 and 5, 6. And then 6, 2 and 6, 6. हर ordered pair के in between comma ज़रूर लगाएंगे और then curly bracket closed. This is the required answer. Your home assignment from exercise number 1.3, question number 1, if A is equals to A, B, C, D and B is equals to Y, Z, then find आपको करना है B cross A and next part A cross A. Question number 3, let A is equals to A, B, B is equals to 2, 3 and C is equals to 3, 4, then you will have to find in second part A cross B union A cross C. Or question number 5, let A is equals to 1, 2, 3, 4 and B is equals to 2, 4, 5, 6. And set C is equals to 2, 3, 6. At you will have to find two parts. First part में आपको find करना है A minus B cross B minus A. And fourth part में आपको find करना है A cross B minus B cross C. Now review of today's lecture. Today we have done ordered pairs, Cartesian product, and exercise number 1.3.